अस्सलाम वालेकुम। आज हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं घर में। हमने इसका डो घून के रख लिया था और ये चिकन है, इसको हमने इस तरह छोटे पीसेस में कट कर लिया। अब इसको मैरिनेट करेंगे। रेड चिली डाल, सॉल्ट डालेंगे, इसी ब्लैक पेपर डालेंगे डालेंगे चीज़ें से मिक्स कर लें। हम अपना टिक्का मसाला डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारी डो है, इस तरह से हमारी डो फूल चुकी है। हम इसका पिज़्ज़ा बनाएंगे। ये हम अपना चिकन कुक करने लगे हैं। ये हम ऑयल लेंगे, डाल देंगे। थोड़ा सा उसमें पानी डाल देंगे तक हमारा चिकन का हमारा चिकन कुक होता है। हम अपने अनियन और कैप्सिकम कट कर लेते हैं। हमने पिज़्ज़ा चीज़ और चेडर चीज़ ग्रेट कर लेनी है। हमारा ऑलमोस्ट कुक हो गया है। पिज़्ज़ा पैन है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ये हमारा डो है, हम इसको अब रोल आउट कर लेंगे और पिज़्ज़ा डिश में लगाएंगे। ये डो को अच्छे से रोल आउट किया और पैन में इसको सेट कर लिया। अब इसके अंदर फोक से होल्स कर लेंगे। हम इसलिए करेंगे, अब हम इसको अपने पैन में डालेंगे और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। सॉल्ट को अच्छे से गर्म कर लिया। अब मैं इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा रखूँगी और इसको पकने दूँगी। कवर कर दिया, हम इसको तेज़ आग पर कुक होने देंगे। ये पिज़्ज़ा थोड़ा सा फूल गया, अब इसके ऊपर मैं सॉस लगाऊँगी। ग्रेटेड चीज़ लगानी है, थोड़ा सा चिकन लगाएंगे, इसी वेजिटेबल्स अब हम इस पर लगाएंगे, हमारे कैप्सिकम अनियन और टमाटो। अब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। आप इसने पूरा पिज़्ज़ा सेट कर लिया अच्छे से, इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद नहीं है तो मैं सिर्फ लिमिटेड डालती हूँ। अब मैं इसको बेक करूँगी। इनका कवर उठा के देखते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा कहाँ तक पहुँचा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ी देर और होने देते हैं हम लोग। ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है, अब हम इसको कट करके देखते हैं। ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है, अब हमने दूसरा बेक होने रखा है।